हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र वालचीकांग 2019। तो हम लोग पिछले लेक्चर तक बात कर चुके हैं चर्चित स्थल जो थे 2018-19 में, जो चर्चा में रहे स्थल उनको देख चुके थे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग योजना एवं परियोजनाओं के बारे में। तो याद रखिए, जितने भी हम लोग लेक्चर अभी तक खत्म कर चुके हैं वो आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, वो अपनी प्लेलिस्ट सूची में समसामयिक की घटना चक्र के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डाले। ठीक है, योजनाएं देखते हैं। परियोजना कक्षा साथी परियोजना, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी द्वारा रायसेन मुख्यालय के शासकीय माध्यमिक कक्षा में इस परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना रायसेन जिले के 7 और भोपाल जिले के 5 शासकीय विद्यालयों में दक्षिण कोरिया की टैग हायु संस्था के सहयोग से शुरू की गई। अगली है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर इस योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है इसका खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और ईट राइट इंडिया अभियान को और अधिक व्यापक बनाना है। बात करते हैं अगली प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बेंगलोर स्थित इसरो मुख्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में प्रतिभाशाली छात्रों की खोज की जाएगी और उन्हें अपने कौशल और ज्ञान को समृद्ध बनाने हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा। पहले चरण में ध्रुव कार्यक्रम के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 60 अति प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित छात्र ध्रुव तारा कहलाएंगे। ठीक, बात करते हैं मॉरिशस में 2 परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया है। इस परियोजना में मॉरिशस में LNT द्वारा निर्मित सेंट एक्सप्रेस राइट रेल ट्रांजिट परियोजना प्रथम चरण शामिल हुआ। साथ ही ENT अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया है, जो मॉरिशस का पहला कागज रहित अस्पताल होगा। अगला है जिज्ञासा परियोजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुभारंभ की गई है। यह परियोजना रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग जिले के चयनित 200 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 800 शिक्षकों और 20,000 विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के अवसर सुलभ कराए जाएंगे। वोडाफोन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में IPE ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट द्वारा क्रियान्वित जिज्ञासा परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बात करते हैं जमरानी बांध परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। यह बहुउद्देशीय बांध गोला नदी पर नैनीताल जिले में स्थित निर्मित किया जा रहा है। बात करते हैं भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसका मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का नाम राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो रेल करने की घोषणा की है। बात करते हैं दीक्षी जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। यह परियोजना पश्चिम कामेंग जिले के दीक्षी गांव में स्थापित है। 24 किलोवाट की यह परियोजना राज्य की पहली समुदाय प्रबंधित मिनी पनबिजली परियोजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली यह स्वतंत्र परियोजना है। बात करते हैं मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किए गए हैं। इस परियोजना की लागत राशि 325 करोड़ रुपए है। 69 किलोमीटर लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक है। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है।
बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा झारखंड सरकार की इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि भूमि ये होगी उन्हें प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड परियोजना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आसपास के राज्यों के दो समूह आंध्र प्रदेश तेलंगाना तथा गुजरात महाराष्ट्र में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक परिवार अपने समूह राज्य में किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं की खरीद कर सकते हैं। बात करते हैं कोसी और मैची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी और मैची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना हेतु 49 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के कैन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के बाद स्वीकृत होने वाली देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। बात करते हैं ड्रोन आधारित मानचित्रण परियोजना। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर जिले के नीमगांव कोरहले में इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का क्रियान्वयन देश के राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं विश्व की पहली यात्री हाइपर लूप परियोजना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्जिन हाइपर लूप 1DP वर्ल्ड कंसोर्टियम को पुणे मुंबई हाइपर लूप परियोजना के लिए ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपोनेट के रूप में मंजूरी दी है। $10 बिलियन राशि की इस योजना को सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजना का दर्जा प्रदान किया है। इस परियोजना की कुल लंबाई 117.5 किलोमीटर से अधिक है। अगली है मेडिसन फ्रॉम होम द स्काई परियोजना। तेलंगाना सरकार द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क के मध्य मेडिसन फ्रॉम द स्काई नामक ड्रोन के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सामग्री आपूर्ति संबंधी परियोजना हेतु सहयोग समझौता किया है। बात करते हैं हरियाली प्रसार वाहन योजना। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा रायपुर स्थित इंदिरा निकुंज माना रोपड़ी में हरियाली प्रसार वाहन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण करने की इच्छुक नागरिकों को इस वाहन के माध्यम से निःशुल्क घर पर ही पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। त्रैवहली डिक्री योजना। गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में वहली टिक्की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है समाज में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करके बालिका जन्म दर में सुधार लाना, उनकी स्कूल ड्रॉप आउट दर और बाल विवाह को रोकना है। अगली है मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना को लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। बात करते हैं दमन गंगा पेंजल नदी लिंक परियोजना। महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार द्वारा राज्य में सूखे की समस्या के समाधान हेतु शीघ्र ही दमन गंगा पेंजल नदी लिंक परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से वर्ष 2060 तक मुंबई की जल आवश्यकता पूरी होगी। बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। योजना अंतर्गत राज्य सरकार 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के वृद्ध जनों को 400 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। बात करते हैं डगमारा
जल विद्युत परियोजना। बिहार सरकार द्वारा बहुउद्देशीय डगमारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 11.68 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। यह परियोजना बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर निर्मित की जाएगी। बात करते हैं छोटे व्यापारियों हेतु पेंशन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और स्वयं का कारोबार करने वालों हेतु पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। बात करते हैं गोल्डन कार्ड योजना। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा निवेशकों व असाधारण प्रतिभाओं, इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टरों के लिए आज के लिए एक स्थायी निवास योजना गोल्डन कार्ड का शुभारंभ किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीय कारोबारी लालो सैमुअल ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्हें गोल्ड कार्ड प्रदान किया गया है। बात करते हैं मोबाइल ऐप माई सर्कल। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से मोबाइल ऐप माई सर्कल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता करना। ठीक, बात करते हैं भारत द्वारा अफ्रीका में 2 परियोजनाएं स्थापित करने हेतु साझेदारी की है। भारत में इस संबंध में जापान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। भारत जापान के साथ साझेदारी में केन्या में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण करेगा। यूएई के साथ साझेदारी में इथोपिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। बात करते हैं शिक्षा वाणी ऐप। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नया पॉडकास्ट ऐप शिक्षा वाणी लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्राप्त हो सकेंगी। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की संगम परियोजना। भारत में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी में संगम परियोजना का प्रसार हुआ है। बात करते हैं इको सर्किट का विकास। पतनमतिट्टा, गवी, वागा, मोन, थिक्कड़ी तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस द्वारा केरल के वागा मोन में स्वदेश दर्शन योजना के तहत इको सर्किट पतनमतिट्टा, गवी, वागा मोन, थिक्कड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना। असम के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2019-20 में राज्य में इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 45 वर्ष तक की आयु वाली महिला के पति का निधन होने पर उसे तत्काल पारिवारिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा एक मुफ्त 25,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। बात करते हैं अगली है गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना। तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। परियोजना के अंतर्गत गोदावरी नदी को कृष्णा और पेन्नार नदियों के माध्यम से कावेरी नदी से जोड़ा जाएगा। 22 जनवरी 2018 को श्री गडकरी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी पर बने 1210 मीटर लंबे किड़िया गंडयाल पुल को राष्ट्र को समर्पित भी किया है। बात करते हैं वन फैमिली वन जॉब का योजना। सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा वन फैमिली वन जॉब योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस तरह की योजना को प्रारंभ करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है, याद रखिए। बात करते हैं उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के पलामू जिले में मेदिनी नगर में उत्तरी कोयल परियोजना के पुनरुद्धार सहित 6 सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस परियोजना झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी
सोन नदी की सहायक नदी है, इस पर निर्मित किया जाएगा। बात करते हैं अटल भाषांतर योजना। विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश से विलोमता अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट दूरभाषियों का एक समूह तैयार किया जाएगा। तो ये थी योजनाएं और प्रमुख परियोजनाएं। अब बात करेंगे हम लोग ऑपरेशन और अभियान के बारे में, ठीक है? आगे देखेंगे ऑपरेशन और अभियान।